जबलपुर नगर निगम खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा गुरुवार को विभिन्न दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए लंबे समय से लंबित जुर्माना वसूला गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कई दुकानों में निरीक्षण करते हुए दुकानों से खाद्य सामग्रियों के सैंपल एकत्रित कर उन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया था, जिसमें खाद्य सामग्रियों के नमूने खाद्य मापदंडों के अनुकूल नहीं थे। सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जुर्माना राशि निर्धारित की गई थी, उसी को लेकर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह एवं नगर निगम खाद्य अमला की टीम कई प्रतिष्ठानों में कार्यवाही के लिए पहुंची और जुर्माना वसूल किया। खाना बना रहा हम लोग को सरकार ने इसीलिए रखा है कि आप जैसे लोगों को रास्ता सही रास्ता दिखा दे रहे आप बता रहे हैं। देखो शर्मा जी ये लोग इसमें हेल्प में जाओ बैंक जाना है प्रशासन की जो कार्रवाइयाँ हैं वो दो स्तरों पर इस समय जारी हैं। एक जिन दुकानदारों के यहाँ पिछली बार सैंपल फेल हुए थे गत एक दो वर्षों में और उन पर सक्षम न्यायालय से जो जुर्माना हुआ है तो उसकी राशि कई सारे दुकान वालों ने आज तक जमा नहीं की है। आज सुबह पीके पनीर वाला के यहाँ जो राशि जा करके जमा करवाई गई और उन्होंने ट्रेजरी में पहुँच करके 1.5 लाख रुपये राशि जमा की, कुल 3 लाख रुपये जुर्माना था। इसी क्रम में गुप्ता स्वीट पे भी 2019 में 2 लाख रुपये का जुर्माना हुआ था और इनके घर के एक सदस्य अभी स्टेट बैंक गए हैं, वहाँ जा करके पैसे जमा कराएंगे और 3 दिन बाद इन्होंने शेष राशि जमा करने का भी आश्वासन दिया है। दूसरे स्तर पर हम लोगों की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो मिठाइयाँ जो बन रही हैं वो उपयुक्त मानदंडों से बन रही हैं या नहीं बन रही हैं इसकी भी अलग अलग टीमें जाँच कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले अमखेरा रोड पर एक ब्रेड फैक्ट्री की हम लोगों के द्वारा जांच की गई थी। मौके पे कुछ आपत्तिजनक पदार्थ थे जिससे तत्काल स्पॉट फाइन भी वहां पर किया गया था। इसी क्रम में रांझी आदि जगहों पे भी कार्रवाइयां हो रही हैं और हमारी टीम आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। थैंक यू।